छह बोरना मनाना पर्ट में एक कोचिंग सेशन को ज्यादा नहीं ले लिए क्या बनत मारा और वो व्हील ऑफ लाइफ कैसे चल रहा है उस पर जो बड़े काम किया था तुमने। भैया मुझे याद तो है वो व्हील ऑफ लाइफ का मैं देखता हूँ कि कैसे इस पर काम करना है याद है मुझे बस मैं उस पर काम करता हूँ कुछ है ना देखिए यू ना तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो मैं कुछ करता हूँ साथ आप बिस्किट्स ले आए हैं। अच्छा यार मैं चलता हूँ वाइफ बुला रही जरा साथ यार अपने बच्चे को तो देख लें 2 मिनट मेरी कॉल है। अच्छा यार आ रहा हूँ 5 मिनट से लग Here are 8 steps to unfuck your life. Step 1: cleanse thy earthly vessel. A shower. मुझको तो पहला स्टेप ही पसंद नहीं आया। दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार तो नहा ही लेता हूँ। और लाइफ की फिर भी लगी पड़ी थी। यूलिया ठीक कहती है। व्हील ऑफ लाइफ पर ही फोकस करते हैं। क्योंकि व्हील ऑफ लाइफ पर मैं पहले भी काम कर चुका हूँ तो मैंने फेहरिस्त को लीस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल यानी कम तरीन इम्तनान की सतह से तहरीर करना शुरू किया। पॉइंट नंबर 1 फिटनेस एंड हेल्थ। Point number 2 personal and spiritual growth. किताबें पढ़ने का मुझे कभी शौक नहीं था पर पर्सनल ग्रोथ की बात हो और किताबें ना हो ये तो हो नहीं सकता तो फिर मैंने 6 महीने पढ़ने का सामान इकट्ठा किया। 6 महीने क्यों अभी बताता हूँ। और जब अगले 3 नुक्तों की बात की जाए तो लव क्रिएटिविटी और रिक्रिएशन के लिए वक्त आउटपुट और प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। कोचिंग से और कुछ सीखा हो या ना सीखा हो एक बात तो समझ ली थी कि एक वक्त में इंसान 3 से ज़्यादा चीज़ें सांस लेकर नहीं जा सकता तो ये वक्त मुझको निकालना था अपने करियर से जिसमें मैं पहले ही मुतमईन था। Dear Femi, I quit. नहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा। Dear Femi, I need a 6 months of unpaid leave. Thank you. Stop. फिर क्रिएटिविटी में ऐसा काम करना था जैसे वेल्थ क्रिएशन भी बन जाए। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मैं बहुत मुतमईन था। सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नलिंग ने कवर कर दी फन गेमिंग ने और मनी इन्वेस्टमेंट और अल्लाह का शुक्र कर दिया। और बात हुई मेरे इस साल के गोल की तो क्रिएटिविटी रिक्रिएशन करियर मनी इन सब चीज़ों के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाकर ये कदम लिया और तुमने क्या किया।